कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेनू कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनेंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदरनगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद, अठम पुण विण विठे लिठे कजे वंदी मोणिचम, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज दो गाथाएं होनी है, प्रस्थ 81 पर गाथा 85 और 86, कुंद कुंद का कुंदन। दोनों गाथाएं बड़ी विचित्र हैं। पहली गाथा में जो अभी पहले होगी उसमें कहा गया है प्रतिक्रमण करना, निवृत्ति करना, गर्हा करना, निंदा करना, ये विषकुंभ है और इनको नहीं करना, ये अमृत कुंभ है। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आया। मुनि महाराजों को तो ये कहा गया है प्रतिक्रमण करो, दिन भर में होने वाले पापों की निंदा करो, निवृत्ति करो, शुद्धि करो, प्रायश्चित लो, ये तुम्हारे चारित्र की शोभा है। और यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं, ये विषकुंभ है और प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, विशुद्धि नहीं करना, निंदा नहीं करना, ये अमृत कुंभ है। ऐसा क्यों किया? ऐसा आचार्य कुंद कुंद महाराज ने क्यों लिखा? इसका एक मुख्य कारण, जो मुनि महाराज शुभोपयोग में नहीं शुद्धोपयोग में है, और शुद्धोपयोग में होने पर अगर वे प्रतिक्रमण करने की, निंदा करने की, गर्ह करने की सोचते हैं या क्रिया करते हैं तो उनका वह कार्य विषकुंभ है। विषकुंभ क्यों है? शुद्धोपयोग से नीचे उतरने की बात क्यों की जाए? क्योंकि प्रतिक्रमण करना, निंदा करना, गर्हा करना, शुद्धि करना, प्रायश्चित लेना, यह शुभोपयोग का काम है। हे मुनि, तुम शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ रहे हो तो ये क्रियाएं करने के लिए तो ये क्रियाएं विषकुंभ हैं, और तुम शुद्धोपयोग में बिल्कुल लीन हो, आत्मा में दत्त चित्त हो और तुम प्रतिक्रमण वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वह अमृत कुंभ है। और बात ठीक भी है, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आना तो विषकुंभ हुआ, और शुद्धोपयोग में रहना और क्रियाओं को छोड़ देना ये अमृत कुंभ हुआ। आइए आज की ये दो गाथाएं अच्छी तरह समझते हैं। परिकमणम परिसरणम परिहरणम धारणानियतीय निंदा गरुहा सोही अठ विहो हो दिविषकुंभो। परिक्रमणम प्रतिक्रमण करना, परिसरणम प्रतिसरण करना, परिहरणम परिहार करना, धारणा होना, निवृत्ति होना,
निंदा करना, गर्हा करना और शुद्धि माने प्रायश्चित आदि लेकर अपने चारित्र में जो शिथिलता आई है उसकी शुद्धि करना, ये 8 प्रकार का विषकुंभ होता है। अर्थात ये 8 कार्य जो हैं ये विषकुंभ हैं। प्रश्न, विषकुंभ क्यों? जैसा मैंने पहले समझाया, अगर कोई शुद्धोपयोगी मुनि महाराज इन क्रियाओं में लगते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, निंदा करते हैं, गर्हा करते हैं, निवृत्ति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, शुद्धोपयोग को छोड़कर अगर इन कार्यों में लगते हैं तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आने के कारण ये विषकुंभ हुए। शुद्धोपयोगी इन कार्यों को नहीं करता, वो तो अपने आत्मा में लीन रहता है। फिर देखें एक बार, प्रतिक्रमण करना, प्रतिसरण करना, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ होता है। आइए अब एक एक शब्द की परिभाषा समझते हैं। पंडित जी, प्रतिक्रमण क्या होता है? अपने व्रतों में लगे गए दोषों की शुद्धि के लिए उनका निराकरण करना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। जितने भी श्रावक व्रती होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, वो नित्य प्रतिक्रमण करते हैं। उनका प्रतिक्रमण सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उन्हें करना होता है। रात भर में जो दोष लगे हों उनका प्रतिक्रमण सुबह, दिन में लगे हों दोपहर को, भोजन संबंधी लगे हों तो, और दिन में लगे हों तो शाम को, और बाकी रात में जो लगे उनका अगले दिन सुबह। ये प्रतिक्रमण का मतलब होता है मेरे व्रतों में भगवान जो दोष लगे हों वे मेरे दोष मिथ्या हों, इसका नाम होता है प्रतिक्रमण। पंडित जी, प्रतिसरण क्या होता है? जो किताबें हमने आपको भिजवाई हैं उनमें इन शब्दों की परिभाषाएं दी हुई हैं, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। प्रतिसरण का मतलब होता है सम्यक्त्वादि गुणों में प्रवृत्ति होना, वैयावृत्ति में प्रवृत्ति होना, उपवास आदि में प्रवृत्ति होना, इसका नाम है प्रतिसरण। जब मुनि महाराज शुभोपयोग में होते हैं तब इन कार्यों में लगे होते हैं। पंडित जी, परिहरण शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? परिहरण का अर्थ होता है परिहार। परिहार माने दूर करना। किनको दूर करना? अगर मान लो मिथ्यात्व संबंधी या सम्यक्त में लगने वाला कोई दोष लग गया हो, या चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष वाली भावना बन गई हो, उन भावनाओं को अपने से दूर करना, इसका नाम परिहरण माने परिहार है। परिहार माने उनको छोड़ना। किनको? इन गलत कार्यों को छोड़ना। पंडित जी, धारणा क्या होती है? अपने मन की एकाग्रता के लिए पंच नमस्कार मंत्र या अन्य मंत्रों का उच्चारण करना, उनका चिंतन करना, या मन की एकाग्रता के लिए कुंडलपुर के बड़े बाबा, कोटा के भगवान आदिनाथ, ऐसे मूर्तियों का चिंतन करना, इसका नाम है धारणा। पंडित जी, निवृत्ति से क्या तात्पर्य है? निवृत्ति कहते हैं दूर करना, निपटाना, हटाना। अर्थात पंच इंद्रियों के विषय कषाय आदि में अगर कभी मन चला गया हो तो उस मन को वहाँ से हटाना, उस चिंतन को अपने मन से निकालना, ये चिंतन अहितकारी है मेरे मन से हटे, ऐसा सोचना, इसका नाम है निवृत्ति। निवृत्ति माने दूर करना। निंदा शब्द से हम क्या समझें? स्वयं से अगर कोई गलत कार्य हो गया हो, किसी के प्रति गलत व्यवहार हो गया हो, किसी से कुछ गलत कह सुन दिया गया हो, तो स्वयं अपने मन में सोचना मैंने ये काम ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या बिगड़ जाता, इस प्रकार अपने मन में अपने गलत कार्यों की समीक्षा करना, अपनी गलती स्वीकार करना, इसका नाम निंदा है। पंडित जी, गर्ह शब्द से क्या तात्पर्य है? अपने गुरु के सामने अपने से जो जो व्रतों में दोष लगे हैं उनको स्पष्ट कह देना, भगवान आज मैं आहार पर गया था, मेरे मन में ऐसे गलत विचार आ गए, आज मैंने उसके साथ में ऐसा गलत व्यवहार कर लिया,
ऐसा गुरु के सामने अपने शुद्ध मन से अपनी गलती को प्रकट करना, इसका नाम गरहा है। पंडित जी शुद्ध जी किसे कहते हैं? स्वयं से कोई गलतकार बन गया हो, गुरु के पास जाकर अपना दोष कहना और उनसे निवेदन करना, हे गुरुदेव मुझे इसका प्रायश्चित दें ताकि मेरा ये गलत कार्य से लगा हुआ पाप जो है धुल जाए, इसे कहते हैं शुद्धि। लगे हुए पाप को धोने के लिए प्रायश्चित स्वीकार करना और प्रसन्न चित्त से उस प्रायश्चित को करना, इसका नाम शुद्धि है। पंडित जी क्या सभी मुनिराज इन आठों कार्यों के लिए करते रहते हैं? मुनिराजों के पास तो महाव्रत होते हैं। महाव्रतों का स्वरूप बहुत महान, बहुत उच्च कोटि का होता है और उनमें दोष तो लगते ही रहते हैं और दोष निरंतर लगते हैं और ये प्रतिक्रमण और शुद्धि और निवृत्ति और निंदा और गरहा ये भी निरंतर होते ही रहते हैं। जनसंपर्क होने के कारण बहुत से ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब उन मुनि महाराज से कोई गलत कार्य हो जाता है, किसी से कोई कड़ा शब्द कह दिया तो उसमें उनके मन में निंदा अपने आप होती है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना था। तो ये आठ कार्य तो मुनि महाराज के जीवन में निरंतर चलते रहते हैं, जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता हो उस समय वो करते हैं। अब मुनिराज की बात छोड़ो, जो श्रावक होते हैं प्रतिक्रमण और निंदा आदि तो श्रावकों को भी रोज करनी होती है। हे भगवान मेरे से ये गलत कार्य हो गया, हम जो सामायिक पाठ बोलते हैं उसमें भी विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तेना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर यदकारि लोपनम प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धये। हे भगवान मैं पापी हूँ, मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवृत्ति कर बैठता हूँ। मैंने कषाय या इंद्रियों के बस में होकर के अगर चारित्र की शुद्धि में कोई कमियाँ की हों भगवान तो वे मेरे दोष मिथ्या हों। ये तो हम श्रावकों को भी करना पड़ता है। देखो जो क्रिया करेगा उससे गलती तो होगी और गलती होगी तो उनका प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान या प्रायश्चित करना ही करना होता है। इसलिए ये प्रतिक्रमण वगैरह श्रावक भी करता है और मुनि भी करता है। यहाँ तो चर्चा मुनि महाराज की है और मुनि महाराज के व्रतों में निरंतर छोटे बड़े दोष लगते रहते हैं और वो उन दोषों के संबंध में प्रतिक्रमण निंदा गरहा आदि करते रहते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि उनको जो चारित्र में कमी होने के कारण जो पाप लगता है वह पाप नष्ट हो जाता है, वह पाप हल्का पड़ जाता है, चित्त की शुद्धि हो जाती है, पाप आत्मा से दूर हो जाता है। इसलिए इनका करना बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में भी सोचें, हम चल रहे हैं किसी के साथ हमारी टक्कर लग गई तो हम क्या कहते हैं? सॉरी भैया। तो ये सॉरी क्या है? ये भी तो निंदा है, मुझसे गलत काम हुआ, आप बुरा नहीं मानना। तो जो महान व्रतों को करते हैं या जो श्रावक व्रतों को करते हैं उनके भी प्रतिक्रमण आदि हो ही जाते हैं। पंडित जी प्रतिक्रमण आदि करना मुनि के लिए अच्छा है या बुरा? मुनि महाराज दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभोपयोगी जो प्रवृत्ति में है, एक शुद्धोपयोगी जो अपनी आत्मा में लीन है। जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं उनके लिए तो निंदा करना, गरहा करना, प्रतिक्रमण करना आवश्यक है और उन्हें करना भी चाहिए, इससे उनको शुद्धि मिलती है। लेकिन जो शुद्धोपयोग में है, फिर देखें शुभोपयोगी मुनिराज को इनका करना आवश्यक है और इनका करना लाभकारी है। लेकिन जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में अपनी आत्म ध्यान के लीन, अपने आत्मा के ध्यान में लीन हैं, अगर वे प्रतिक्रमण निंदा गरहा आदि कार्यों में लगेंगे तो उन्हें शुद्धोपयोग से नीचे उतर के शुभोपयोग में आना पड़ेगा। हे मुने शुद्धोपयोग से नीचे शुभोपयोग में क्यों आते हो? तुम शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हो, आत्म ध्यान में लीन हो, तुम्हारे लिए तो इन क्रियाओं का करना विषकुंभ है, अर्थात तुमको नीचे गिराने वाला है। सामान्य मुनि महाराज हैं उनके लिए तो इनका करना आवश्यक है।
लेकिन अगर शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं उनके लिए इनको करना ऊपर से नीचे गिराने के कारण विषकुंभ है, ऐसा आचार्य महाराज ने इस गाथा में कहा है। पंडित जी, प्रतिक्रमण करना किसको आवश्यक होता है? इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनने वाला है। आजकल समाज में एक रिवाज चल गया है, कोई व्रत नहीं है, कोई मतलब प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रतिक्रमण? व्रतों में लिए गए व्रतों में दोष लगे तब प्रतिक्रमण करना होता है, अव्रति के लिए प्रतिक्रमण का विधान नहीं है। रतन चंद जी मुख्तियार ने अपने मुख्तार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जो श्रावक व्रती नहीं है वे प्रतिक्रमण ना करें, वो तो आलोचना पाठ वगैरह पढ़ें वो उनके लिए काफ़ी है। लेकिन आज देखा जा रहा है जिनके कोई भी व्रत नहीं है वे भी प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं। रतन चंद जी मुख्तियार की दृष्टि में ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है और यह बात ठीक भी लगती है। जब व्रत ही नहीं है तो प्रतिक्रमण कैसा? इसलिए व्रत हो तो प्रतिक्रमण करना अति आवश्यक है। अभी चर्चा हुई उन महाराजों की, उन मुनिराजों की जो शुद्धोपयोग में हैं, उनसे कहा गया कि अगर प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा आदि कार्य करते हो तो विषकुंभ है, तुमको ऊपर से नीचे लाने वाला है। और आगे अगली गाथा में बता रहे हैं अगर तुम इन कार्यों को नहीं करते हो तो अमृत कुंभ है। क्या मतलब? शुद्धोपयोग में लगे हो, शुद्ध आत्मचिंतन में लगे हो, इसी में लगे रहो। इस समय प्रतिक्रमण, प्रतिसमरण, धारणा, निवृत्ति किसी और ध्यान देने का काम नहीं। अगर ऐसा करते हो ना, प्रतिक्रमण मत करो, धारणा मत करो, कुछ भी मत करो, ये अमृत कुंभ है। और अगर तुम शुद्धोपयोग से नीचे शुभोपयोग में आओगे और इन कार्यों को करेंगे तो ये तुम्हारे लिए विषकुंभ होगा। आइए गाथा नंबर 86 देखते हैं, पृष्ठ 81 पे। अपरिक्रमणम अपरिशरणम अपरिहारो अधारणा चैव अणियतिंदा गरुहा सोही अमय कुंभो। अपरिक्रमणम प्रतिक्रमण नहीं करना, अपरिशरणम प्रतिसरण नहीं करना, अपरिहारो परिहार नहीं करना, अधारणा धारणा नहीं करना, और भी निवृत्ति नहीं करना, निंदा नहीं करना, और गरुहा के आगे ये आ लगा हुआ है तो गरुहा नहीं करना और शुद्धि नहीं करना, ये अमृत कुंभ हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य कुंद महाराज? तुम शुद्धोपयोग में हो हे मुनि महाराज, अगर तुम इन कार्यों को नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए अमृत कुंभ है, इसलिए और तरफ ध्यान मत दो। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा कुछ नहीं करना, आत्मा में लीन रहना है, और प्रतिक्रमण वगैरह नहीं करना ये तुम्हारे लिए अमृत कुंभ है। अगर तुम शुद्धोपयोग छोड़ के और प्रतिक्रमण में लगते हो तो विषकुंभ हो जाएगा। फिर एक बार देखें, प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, परिहार नहीं करना, धारणा नहीं करना, निवृत्ति नहीं करना, निंदा नहीं करना, गर्हा नहीं करना और शुद्धि नहीं करना, ये शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए अमृत कुंभ है। पंडित जी, अगर कोई मुनिराज इस गाथा को पढ़कर प्रतिक्रमण करना छोड़ दे तो? तब तो वे मुनिपने से ही दूर हो जाएंगे। हमेशा जो कथन शास्त्रों में दिया है पहले उसकी अपेक्षा तो समझें। शास्त्रों में लिखा है मुनि महाराज अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते, उन्हें नहीं करनी चाहिए। और श्रावक ये कहे मुनि महाराज नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, श्रावक का पतन हो जाएगा। उसी तरह प्रतिक्रमण नहीं करना किस साधु के लिए लिखा है? जो शुद्धोपयोग में है, और जो मुनि महाराज प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, सारे कार्यकलाप करने में उनके द्वारा दोष हो रहे हैं, उनके चारित्र में कमियां आ रही हैं,
और फिर भी अगर वो प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो उनका चारित्र तो अशुद्ध सदोष हो जाएगा, उसमें चारित्र में कमी हो जाएगी। इसलिए नहीं, अगर कोई मुनिराज ऐसा करना छोड़ देते हैं तो फिर उनके चारित्र में दोष लगेगा, अतिचार और अनाचार हो जाएगा, चारित्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन शुद्धोपयोगी अगर करेंगे तो उनको शुद्धोपयोग से नीचे आने में दोष लगेगा। अभिप्राय समझकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। पंडित जी, कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों गाथाएं आचार्य कुंद कुंद भगवंत की नहीं है, क्या ऐसा कहना सही है? दिल्ली के एक महानुभाव हमें भी मिले थे और उन्होंने हमें बताया था कि समय सार की सबसे प्राचीन प्रति मूल बद्री में प्राचीन कन्नड़ भाषा में ताड़ पत्रों पर लिखी हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ गया और मैंने बहुत मेहनत करके उन ताड़पत्रीय जो समय सार था उसकी मैंने संस्कृत और हिंदी और प्राकृत में रूपांतर कराया। जब रूपांतर मैंने कराया तो मैंने उसमें देखा ये दोनों गाथाएं उसमें नहीं थी। इसलिए उन सज्जन का कहना है कि ये दोनों गाथाएं ओरिजिनल आचार्य कुंद कुंद महाराज की नहीं है। असलियत क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपना जो समय सार छापा है उसमें ये दोनों गाथाएं नहीं दी हैं, क्योंकि जब कन्नड़ वाली मूल ताड़पत्री प्रति में ये नहीं है तो फिर इनको मैं क्यों दूँ। उनके समय सार जी में ये दोनों गाथाएं नहीं। पंडित जी, तो फिर हम क्या इन दोनों गाथाओं को प्रक्षिप्त या गलत माने? वास्तविकता क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ही जाने कि ये एडेड हैं या नहीं हैं, हमें क्या मालूम। लेकिन अगर मान लो इन दोनों गाथाओं को यहाँ रखा जाता है और इन दोनों गाथाओं का जैसे अर्थ लगाया जा रहा है, अगर उस प्रकार अर्थ लगाया जाता है तो इससे कोई आशय तो गलत नहीं होता, अर्थ तो ठीक बैठता है। अर्थात प्रतिक्रमण आदि शुभोपयोग मुनि को करना जरूरी है, शुद्धोपयोगी को करना नहीं। अगर शुभोपयोगी मुनि महाराज प्रतिक्रमण आदि नहीं करते हैं तो प्रतिक्रमण नहीं करना विषकुंभ है, और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज अगर प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो वह उनके लिए विषकुंभ है। गाथा से अर्थ तो ऐसा निकलता है जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, वास्तविकता क्या है ये हम नहीं बता सकते। खैर, ऐसा तो बहुत बार होता है कि पांडुलिपि बनाने आदि में कुछ गाथाएं एडेड हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। जैसे तिलोय पंडित्य नामक ग्रंथ में 8000 गाथाएं आचार्य लिख रहे हैं, जबकि देखा जाए तो 9000 से ज़्यादा गाथाएं हैं। अब इतनी गाथा कैसे आई कौन जाने, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। लेकिन यहाँ इन दोनों गाथाओं का अभिप्राय ठीक बैठता है, अतः इनको गलत मानना मुझे ठीक नहीं लगता, सही है अभिप्राय इनका ठीक मानना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर,
श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी अहमदाबाद।